खरगोन जिले के कसरावत के पीपलगोन में मृत मवेशियों के शव को गांव के नजदीक सड़क के किनारे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। एक ओर शासन प्रशासन कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वहीं गांव के नजदीक मृत पशुओं के आने जाने वाले राहगीरों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। मृत पशुओं से बीमारी फैलने की आशंका भी बनी हुई है। ग्रामीणों ने पंचायत से मृत पशुओं को जमीन में गाड़ने की मांग की है। पीपलगोन से सलीम खान की रिपोर्ट। क्या मामला ये पशुओं का? किसान वर्ग गाय का दूध खा लेते हैं, उसके बाद में गाय को ऐसे मर जाने के बाद में ऐसे पटक देते हैं। गांव में बीमारी फैलने का सब हो रहा है। पहले से महामारी फैली हुई है गांव में, आने जाने में सब परेशानी आ रही है। ये गांव से कितनी दूर पे? ये गांव से है आधा किलोमीटर। और रोड से 10 फीट। तो अपन क्या चाहते हैं? खेत में निकलते हैं। ये इनको पंचायत का काम है, इनको या तो गड़वाओ या कुछ भी करो। खेत में आते हैं तो बहुत बड़ी बदबू आती है यहाँ पे। गंदगी बहुत होती है यहाँ पे, बदबू बहुत बुरी आती है यहाँ पे। निकलने वाले के लिए बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो आप क्या चाहते हैं? क्या इनको यहाँ होना नहीं है? गंदगी इनको दफनाना चाहिए या डिस्पोज करना चाहिए? इसको पंचायत द्वारा रोकना चाहिए यहाँ पे। क्या नाम है अपना? दिनेश वर्मा। तुम्हारा नाम क्या है? कमल। राकेश। तुम क्या कहना चाहते हो राकेश भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जैसे कि पीपलगोन पंचायत में जो भी अपने अधिकारी है वो इन चीजों पे ध्यान दे। इन चीजों को गांव से काफी दूर कुछ भी करके जीसीपी लगवाओ या उसको कुछ भी करो, ताकि अपनों ने इसको पाला है, इसका दूध खाया है, उसके साथ में अपन रहे हैं, उस चीज को इस जगह पे ऐसी जगह पे फेंका है कि उसकी स्थिति आज देखने के बाद में अपन तो गौ की पूजा करते हैं, अपन हिंदू धर्म में गौ की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद में उसकी स्थिति ऐसे क्यों बना दी है? फिर गौशाला क्यों खोल रहे हो तुम? अपन चाहते क्या है कि इनको इनको दफनाया जाए सर। मैं यही गड्ढा खोद के दफनाया जाए, डिस्पोज करे, कोई बीमारी नहीं फैले। ये अभी तक पंचायत वालों ने कम से कम यहाँ 100 जानवर फिकवाए थे, सड़ गल गए। बाकी ये 2 जानवर इतनी बदबू कर रहे हैं कि आने जाने वाले उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि पूछो मत ही। और यहाँ से जितनी भी हवा जितनी दूर जाती है उतनी दूर बदबू आती है इसकी। यहाँ से रोड कितनी पास में? 10 फीट की दूरी पे है रोड। और गांव अपना? गांव 100 मीटर की दूरी पे होगा, पर बाकी आसपास का एरिया तो सब यहीं से निकलता है ना। आ गया मेन रोड से, आ गया ना भाई, मेन रोड से जुड़ गया ये। रोड से 10 फीट की दूरी है तो आना जाना तो यहीं से लगा रहता है ना। खेत वालों का है, इधर अमलाता वालों का है, इधर भगियापुर वालों का, इधर पीपलगोन वालों का है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।